में हमने आपको समाकलन विधि से कर्व की लेंथ ज्ञात करना बताया था, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समाकलन द्वारा क्षेत्रफल निकालना। अगर कोई कर्व दिया है तो समाकलन विधि से हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। निश्चित समाकलन आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो क्या होता है, मान लो कि कोई एक समीकरण या वक्र y बराबर fx दिया हुआ है, y बराबर fx दिया है और इसकी कोटियां x बराबर a और x बराबर b, x बराबर a से x बराबर b के बीच में अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, सबसे पहले जो वक्र दिया होगा, कर्व दिया होगा, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी x एक्सिस और ये हो जाएगी y एक्सिस। अब यहां पर y बराबर fx, मान लेते हैं y बराबर fx कोई कर्व इस तरह से ये दिया हुआ है, y बराबर fx, कोटियां दी हैं x बराबर a और x बराबर b। तो मान लेते हैं ये हो गई यहां पर x बराबर a और ये जो लाइन हो गई ये हो गई x बराबर b। तो अगर हमको इस कर्व से और x बराबर a से x बराबर b के बीच का ये एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू समाकलन a से b y dx, या फिर समाकलन a से b y, मतलब कि इसको लिख लेंगे fx dx। एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, समाकलन a से b जब हमारा फंक्शन x बराबर f y टाइम में दिया होगा और कोटियां क्या होंगी y इक्वल टू a और y इक्वल टू b टाइप से होंगी। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट a से b और यहां पर हो जाएगा x dy, या फिर इसी को लिखेंगे लिमिट a से b fy dy। अब इन दो फार्मूलों की सहायता से हम क्या करेंगे, जो सिंगल कर्व दिया होगा, सिंगल कर्व की और x अक्ष के या y अक्ष के घिरे क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जब डबल कर्व दिया होगा तो उनके बीच का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे वो भी देख लो। मान लो कोई एक समीकरण दिया है y इक्वल टू एफ वन एक्स और y इक्वल टू एफ टू एक्स, दो वक्र दिए हैं या दो कर्व दिए हैं और यहां पर x बराबर a और x बराबर b दो लिमिट दी हुई हैं। तो क्या करेंगे, इसी तरह से एक पहले इसमें कर्व ड्रा करना आना चाहिए, तो y बराबर fx और y बराबर, मतलब y बराबर f1x और y बराबर f2x, दो कर्व दिए हैं। मान लेते हैं एक ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एफ वन एक्स और एक कर्व इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लो, और ये कर्व हो गया y इक्वल टू एफ टू एक्स। लिमिट क्या है, लिमिट यहां पर दी हुई है x बराबर a से और x बराबर b। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये जहां पर ये कट कर रहा है इन दोनों को कट करेगा, यहां पर x बराबर a है और यहां पर जो ये कट करेगा ये हो जाएगा x बराबर b। तो अब अगर हमको ये दो कर्व जहां पर कट कर रहे हैं इसका एरिया याद करना हो तब क्या करेंगे हम, अब इसमें हम कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, यहां पर मान लो ए बी सी और डी, ये हो जाएगा ए बी सी डी, और यहां पर एक पॉइंट और मान लो, यहां पर मान लो पी और यहां पर मान लो क्यू और यहां पर एक हम स्ट्रिप ले रहे हैं इस तरह से। अब अगर हमको ये वाला एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया से, अगर हम इस टोटल एरिया से, मतलब कि ए
पी बी सी डी और ए, इस टोटल एरिया से ए क्यू बी सी डी ये एरिया माइनस कर दें तो ये एरिया निकल आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहां पर लिखेंगे एरिया कौन सा निकालना है, ए पी बी क्यू ए, ए पी बी क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा क्या करना है, ए पी बी सी डी मतलब कि एरिया ए पी बी सी डी माइनस कर देंगे कौन सा एरिया, ए क्यू बी सी डी एरिया माइनस कर देंगे ए क्यू बी सी डी। तो क्या करेंगे, इस टोटल एरिया से अगर ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो दो कर्व द्वारा एरिया कटा होगा वो हमको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला हो जाएगा, अगर इसका एरिया चाहिए तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, पहले किस कर्व की निकाले हैं, यहाँ से इस वाले कर्व की निकाले हैं और इस कर्व की इक्वेशन क्या हमारे हैं, वाई इक्वल टू एफ टू एक्स। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे ए से बी, क्योंकि यहाँ पर एक्स बराबर ए और यहाँ पर क्या दिया है, एक्स बराबर बी दिया है। तो एक्स बराबर ए से बी और इस कर्व की क्या हो जाएगी इक्वेशन, एफ टू एक्स डी एक्स और क्या माइनस कर देना है हमको, इस वाले कर्व की इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए से बी और कर्व हो जाएगा यहाँ पर एफ वन एक्स डी एक्स। अब अगर दो कर्व दिए होंगे तो वहां पर हम ये फार्मूला लगा लेंगे, अब हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई बराबर एक्स क्यूब और एक्स अक्ष और कोटियां एक्स बराबर एक से एक्स बराबर एक तथा एक्स बराबर दो से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू समाकलन ए से बी लिमिट हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई डी एक्स। अब यहाँ पर लिमिट यहाँ दी हुई है एक्स बराबर एक से एक्स बराबर तीन तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये एक से दो, सॉरी यहाँ पर दो दिया एक्स बराबर दो तो एक से दो तक, और वाई बराबर है एक्स क्यूब तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पर इसको समाकलित कर लेंगे सिंपल सा, तो क्या आ जाएगा x क्यूब को समाकलित करेंगे तो x की पावर 4 अपॉन 4 और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 1 से 2। इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 4 बाहर कर लो, अपर लिमिट रखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 1 बटा 4 और यहाँ पर 2 की पावर 4 मतलब 16 और 1 की पावर 4 1 कितना हो जाएगा 16 से 1 जाएगा 15 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या 15/4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन दिया है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो x अक्ष से और कोट x बराबर 2a तथा नाभिलंब के बीच परिबद्ध हो। तो इसमें सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है तो हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये आप क्या कह रहा है x बराबर 2a तो हम क्या करेंगे यहां से x बराबर 2a ले लेंगे जिसके यहां पर निर्देशांक हो जाएंगे 2a,0 और नाभिलंब के बीच कह रहा है तो नाभिलंब यहां पर ये हो जाएगी इसकी नाभिलंब और इसके निर्देशांक होते हैं 1,0 और कोट x बराबर 2a और नाभिलंब के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है और ये भी कह रहा है कि x अक्ष का हो तो यहां पर हमको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो एरिया दिया है कि यहां पर ये x अक्ष हो गई, ये नाभिलंब हो गई और ये कोट x बराबर 2a हो गया। अब यहां पर हमको ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लें a b c d, तो एरिया जब निकालेंगे हम
एरिया ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ए से बी वाई डी एक्स। अब यहां पर हमको ए और बी चाहिए, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर एक्स वाली लिमिट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर ए से, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर टू ए तक लिमिट हो जाएगी। तो यहां पर हमको लिमिट मिल जाएंगी एक्स बराबर ए से टू ए तक, और वाई बराबर यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा फोर ए एक्स का अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू यहां पर रख लेंगे तो क्या आ जाएगा ये टू अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स डी एक्स। टू अंडर रूट ए बाहर हो जाएगा, मतलब कि टू रूट ए बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स को जब समाकलित करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर तीन बटा दो, नीचे भी जाएगा तीन बटा दो, लिमिट है ए से टू ए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा टू और अंडर रूट ए बाहर हो जाएगा, और इसको तीन बटे दो को सॉल्व करेंगे तो दो बटा तीन हो जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा टू रूट ए इन टू, ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, और लिमिट अब रखेंगे टू ए और ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू ए पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए की पावर तीन बटा दो माइनस फिर लोअर लिमिट तो ए की पावर तीन बटा दो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा फोर और ये रूट ए अपॉन थ्री, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो दो की पावर तीन बटा दो, इसका मतलब हो जाएगा टू रूट टू और ए की पावर तीन बटा दो, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा ए रूट ए, और यहां पर इसका भी हो जाएगा ए रूट ए, तो यहां से ए रूट ए कॉमन मिल जाएगा बाहर आ जाएगा, तो रूट ए और रूट ए मिलके ए हो जाएगा और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा फोर ए स्क्वायर अपॉन थ्री, और यहां पर बचेगा टू रूट टू और यहां पर बचेगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर तुम्हारा सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया है परवलय ए वाई इक्वल टू थ्री ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर दिया है परवलय ए वाई इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर जब देगा मतलब कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं अगर एक्स स्क्वायर दिया है मतलब कि एक्स की घात सम है तो वाई अक्ष के परिता सममित होगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा, अगर वाई की घात सम है, अगर वाई की घात सम है तो वो एक्स अक्ष के परिता सममित होगा अर्थात सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या होता है, जिस तरह है मान लो कुछ इस तरह से बना हुआ है, या अगर हम इस तरह से एक परवलय बनाते हैं तो जिस तरह से एक्स अक्ष के ऊपर है उसी तरह एक्स अक्ष के नीचे होगा, इसका मतलब होता है ये सिमेट्रिकल, मतलब कि सममित। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर दिया हुआ है वाई स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर देगा तो ये किसके परिता सममित होगा वाई अक्ष के, तो यहां पर जो कर्व बनेगा वो वाई अक्ष पे बनेगा, तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी y एक्सिस। अब हमको यहाँ के क्या करिए निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक करने के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ए वाई इक्वल टू लिखा हुआ है थ्री ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अक्ष के निर्देशांक के लिए x अक्ष के निर्देशांक के लिए क्या होता है y बराबर जीरो होता है, अगर हमको x अक्ष के निर्देशांक चाहिए तो y बराबर जीरो, तो इसमें y बराबर जीरो रखो तो क्या आ जाएगा यहां पर ये मिल जाएगा थ्री ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहां से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का a, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का a, और इसी तरह से y के अगर निर्देशांक चाहिए y अक्ष के, तो y अक्ष पर क्या होता है x बराबर जीरो होता है,
तो x बराबर यहाँ पर जीरो रखो तो क्या आ जाएगा, ए y इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर और यहाँ पर ये जीरो, तो एक a से a कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, थ्री ए, वाई बराबर आ जाएगा थ्री ए। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो क्या आया यहाँ पर, जब y बराबर जीरो रखा तो निशान मिल गया प्लस माइनस का a, मतलब कि a कॉमा जीरो और माइनस a कॉमा माइनस a कॉमा जीरो, ये निशान मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इधर ले लेंगे हम कहीं पर a कॉमा जीरो और इधर ले लेंगे कितना है माइनस a कॉमा जीरो, और y अक्ष पर x बराबर जीरो तो कितना आया है y बराबर थ्री a, तो यहाँ पर ऊपर हम कहीं पर मिल जाएगा हमको 0,3a। अब यहीं से ये कर्व इस तरह से हो गया जाएगा जो परवलय बनेगा, और इसी का क्या करना है हमको एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या है x स्क्वायर दिया हुआ है और निर्देशांक क्या है, इधर a प्लस में है इधर माइनस में है, तो ये x अक्ष के मतलब कि y अक्ष के परिता सममित है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इतना एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर एरिया हम निकाल लें तो इसको दो से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इतना ना करें तो हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया एक साथ में निकाल सकते हैं। तो लिमिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी अगर एक साथ निकालेंगे, माइनस ए से ए हो जाएगी। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना आप लोग, तो यहाँ पर कोई हम बिंदु मान लेते हैं, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू ए बी सी ए, एरिया ए बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन इस पूरे को हम निकाल लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिमिट क्या है एक्स एक्स की माइनस ए से ए तक, तो पहले फार्मूला लिखेंगे ए से बी वाई डी एक्स, ये होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एरिया इज इक्वल टू ए बराबर क्या लेंगे माइनस ए, और कहाँ तक जाएंगे हम प्लस ए तक निकालना है, और वाई बराबर यहाँ से निकाल लेंगे तो इस केवल ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा थ्री अपॉन ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा थ्री अपॉन ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आप लोग डायग्राम जो है नोट कर लेना, और ये भी हम क्लियर किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू थ्री अपॉन ए बाहर, समाकलन माइनस ए से ए, और क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें एक प्रगुण लगेगी जो निश्चित समाकलन में बताए थे, अगर आप लोग नहीं निश्चित समाकलन वाला वीडियो देखे हैं तो वहां जाकर देख लें, तो यहां पर प्रगुण लग जाएगी, अगर समाकलन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और ये कब लिख सकते हैं, जब जो एफ एक्स दिया है एक सम फलन हो, और सम फलन कब होता है, जब एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स हम रख दें और हमको पुनः एफ एक्स फंक्शन मिल जाए तो वो सम फलन होता है। तो यहाँ पर ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम एफ माइनस एक्स रखते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर जो पावर है वो इवन है तो इवन पावर है तो उसको रखेंगे, फिर से हमको क्या मिलेगा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुनः एफ एक्स मिल जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर, ये जो फलन है एफ एक्स ये सम फलन दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री बाई ए इंटू टू समाकलन जीरो से ए, यहाँ पर ये वाली प्रगुण लगा लेंगे क्योंकि ये सम फलन है, जीरो से ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, केवल इसमें क्या करना है समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू
ये 3 और 2 हो जाएगा 6a, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से a। अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख लेंगे, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 6 अपॉन a अपर लिमिट रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा x और a स्क्वायर और x बराबर a रखना तो हो जाएगा a क्यूब, और यहां पर रखेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा माइनस a क्यूब अपॉन 3। आगे जीरो लोअर लिमिट दी है, जीरो रखेंगे सब जीरो हो जाएगा, रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर ये मिल जाएगा 6a, इसको इधर लिख ले 6a अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a क्यूब अपॉन 3, 2a क्यूब अपॉन 3, यहां से 3 बन जा 3 2 सा 4, अब ये हो जाएगा यहां से 1 a से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो जो आंसर नंबर थर्ड दिया है उसका आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है, एक दीर्घवृत्त है उसकी क्वेश्चन दी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घवृत्त क्या होता है इसका पहले डायग्राम देखेंगे। अगर यहां पर a इज ग्रेटर देन b है, मतलब कि a b से बड़ा है, तो ये x अक्ष के परिता इस तरह से कुछ बनेगा, अगर यही b इज ग्रेटर देन a होता तो इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं y अक्ष के पड़ता। अब इसमें हम चाहे ये कर लें या ये कर लें, क्योंकि इसमें ना ही ये दिया है कि a बड़ा है और ना ये दिया है कि b बड़ा है, तो हम क्या करते हैं मान के चलते हैं कि इसमें जो a है वो बड़ा दिया हुआ है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं, यहां पर मूल बिंदु होता है 0,0, इसके निर्देशांक हो जाते हैं 1,0, यहां निर्देशांक होते हैं -1,0, यहां पर निर्देशांक हो जाएंगे जीरो कॉमा बी और यहां पर हो जाएंगे 0,-b। अब हमको क्या करना है, ये पूरा एरिया निकालना है, ये जो पूरा एरिया दिया है इसको निकालना है। तो यहां पर हम कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, ये हो गया a b c और d। अब इसमें देख रहे हैं कि यहां पर x स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी है, मतलब कि अगर x स्क्वायर है तो ये y अक्ष के परिता है, अगर y स्क्वायर है तो x अक्ष के परिता है, मतलब इसमें अटकल है। तो यहां पर दोनों दिया है तो ये x अक्ष के और y अक्ष के दोनों के परिता है, मतलब कि दोनों के इसमें अटकल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसका एरिया केवल हम फाइंड आउट कर लें, मतलब ये वाला एरिया अगर हम केवल निकाल लें, तो जितना ये होगा उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही, चारों पार्ट बराबर हैं। तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको निकालने के बाद, ये वाला एरिया निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिया हुआ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इस पार्ट को इधर ले आओ तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये दिया है y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख लो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर यहां पर आ जाएगा b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y का फंक्शन मिल जाएगा यहां से। और हमको क्या करना है, लिमिट लेना है, तो लिमिट हम यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकाल लेंगे, उसके बाद 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम यहां से यहां तक भी निकाल सकते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहां से यहां तक निकालते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फिर से प्रगुण लगाना पड़ेगा
जो सम फलन और विषम फलन वाली बताए थे, हम वो नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेकर ये वाला निकाल लेंगे और चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फंक्शन क्या मिल गया, वाई बराबर ये मिल गया, फार्मूला पता ही तुम लोगों को। फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया समाकलन, लिमिट होती ए से बी वाई डी एक्स। अब हमको निकालना कितना है, ये पूरा एरिया निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, चार गुणे समाकलन ए, ए बराबर लेंगे जीरो एक्स की लिमिट, और एक्स बराबर यहां पर ए है तो ए, और वाई बराबर क्या आया है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से बी अपॉन ए बाहर कितना हो जाएगा, फोर बी अपॉन ए, फोर बी अपॉन ए, और यहां पर समाकलन जीरो से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये होता है एक फार्मूला। यहां से ये लोग आप लोग नोट कर लेंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर बी अपॉन ए बाहर फार्मूला होगा x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये होगा फार्मूला, और लिमिट क्या है, जीरो से a, जीरो से a। तो a बराबर a ही था यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर a फार्मूले वहीं पर a, और x बराबर x है तो वहीं पर x रहेगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें केवल लिमिट रख लेंगे x बराबर a और x बराबर जीरो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4b अपॉन a, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर a अपॉन टू अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हो जाएगा ए अपॉन ए, फिर माइनस करके लिमिट रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो रखेंगे साइन इनवर्स का मान जीरो हो जाएगा ये भी, तो आगे टोटल जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फोर बी अपॉन ए, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, यहां पर बचेगा ए स्क्वायर बाई टू, और यहां से ए कटेगा तो आ जाएगा साइन इनवर्स वन, और साइन इनवर्स वन जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई टू की, तो क्या आ जाएगा, फोर बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू यहाँ पर इसका मान हो जाएगा पाई बाई टू। तो यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, ए से ए पावर कट जाएगी, दो एकन्नम दो, दो दूनी चार, और ये चार कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बी बच गया, यहाँ ए बच गया, यहाँ पर पाई बच गया, क्या आ गया इसका आंसर, पाई ए बी। तो जो दीर्घवृत्त होगा और उसका समाकलन से क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई ए बी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दीर्घवृत्त है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48, वाई अक्ष तथा x बराबर 2 से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लेंगे, तो क्या लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 48, इस 48 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 48 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 48 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16 और प्लस y यहाँ पर है y स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू 1। ये बन जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण जिस तरह से होता है। अब यहां पर क्या है, a बड़ा है और b छोटा है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताएं a इज ग्रेटर देन b है, तो यहां पर जब इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, y अक्ष तथा x बराबर 2, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर निर्देशांक निकालेंगे तो यहां पर इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 4,0 और यहाँ पर आ जाएगा -4,0 और यहाँ पर आ जाएगा 2√3
मतलब 0.2√3 और यहाँ पर आ जाएगा 0.-2√3। आप लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे जिस तरह से निकालना बताए थे। और क्या करना है, कह रहा x बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इधर x बराबर 2 ले लेंगे। मान लेते हैं जो ये लाइन है ये x बराबर 2 के लिए है। और अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा y अक्ष तथा x बराबर 2 से घिरा क्षेत्रफल, तो y अक्ष तो ये हो गई, y अक्ष ये हो जाएगी, x बराबर 2 के लिए ये हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, जो ये क्षेत्रफल दिया है ये वाला हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो 1-x² / 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 12/16, ब्रेकेट में हो जाएगा 16-x², स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये y इक्वल टू 2√3/16 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और अंडर रूट 16-x² ये मिल जाएगा y। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, एरिया इक्वल टू समाकलन a से b y dx। अब एरिया देखो, यहाँ पर जितना एरिया ये वाला होगा उतना एरिया नीचे सेम होगा, तो हम क्या करेंगे इस वाले एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे और इसी का डबल कर देंगे, तो यहाँ पर ना जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, यहाँ पर इसके निशान 0.0 और यहाँ पर क्या हो जाएगी निशान x बराबर 2 है तो 2.0, तो लिमिट मिल जाएगी 0 से 2। तो क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 से 2, हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया, ये नाम लिख लो a b c d। तो एरिया कौन सा हो जाएगा, a b c d, ये हो जाएगा एरिया। और y बराबर क्या दिया है लिख लेंगे, कितना है 2√3/4 अंडर रूट कितना है 16-x² और dx, अब इसको बाहर कर लो तो कितना आ जाएगा 2√3, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर जितना ये एरिया होगा उतना ये होगा, हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 × 2√3 बाहर आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4√3/4 समाकलन 0 से 2 अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 16-x², तो 4² - x² और dx, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 से 2 लिमिट अंडर रूट 4² - x² dx। अब यहाँ पर फिर से फार्मूला वही लग जाएगा जो अभी बता चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ से वही फार्मूला करके इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, वक्र y इक्वल टू cos x, x अक्ष तथा कोटियां दी हैं x बराबर 0 से x बराबर π/2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो y बराबर cos x है इसका जो डायग्राम बनेगा, जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से बनता है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है y बराबर cos x दिया है, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर मिलेगा 1, और फिर x बराबर π/2 रखते हैं तो x बराबर π/2 पर क्या आ जाएगा, y बराबर cos π/2 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, मतलब कि π/2। और यही पूछ रहा है कि 0 से π/2 के बीच का एरिया, तो हमको क्या करना है ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसके नाम रख लो, ये हो जाएगा ओ बी और ये ओ ए और ये बी। तो क्या करना है, एरिया इक्वल टू कौन सा है, ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन a से b y dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया, लिमिट कितनी हो जाएगी,
जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, और y बराबर क्या है cos x है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x dx। अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल इसको समाकलित कर देना है, तो क्या आ जाएगा, cos x का समाकलन होता है sin x और लिमिट है जीरो से पाई बाई टू। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा sin पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वन। अगला क्वेश्चन दिया है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्या दिया है, वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स अक्ष तथा रेखा एक्स बराबर ए बाई टू से घिरे उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो। इसी पे आधारित पहले हम कुछ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, जैसे कि ये जो समीकरण दिया है ये सर्किल का दिया है, तो जो सर्किल होता है कुछ इस तरह से बना होता है, यहां पर इसके निर्देशांक होते हैं ए कॉमा जीरो और यहां पर होता है ये जीरो कॉमा जीरो। अब अगर इस यहां पर ये कंडीशन ना देता कि एक्स बराबर ए बाई टू से घिरे और प्रथम चतुर्थांश में, ये कंडीशन ना देता और कहता कि समाकलन विधि से इस जो वृत्त दिया है समीकरण इसका मतलब कि क्षेत्रफल निकालो, मतलब कि x बराबर ये इतनी कंडीशन ना देता, केवल ये देता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है और इसका समाकलन विधि से क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्या करते सिंपल सा इसको इतना लिखते, इतना डायग्राम बनाते और इतने का केवल एरिया निकालते हम और इसको चार से मल्टीप्लाई कर देते और ये पूरा एरिया आ जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर वाई स्क्वायर को केवल सॉल्व करते वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई बराबर अंडर रूट करके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसी को हम केवल क्या करते समाकलित कर देते और लिमिट क्या रखते जीरो से ए, जीरो से ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला भी पहले बता चुके हैं dx। अब हम केवल इतने का एरिया निकाले हैं और इसका 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 चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका चार गुना कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कब के लिए था जब केवल ये इक्वेशन दी हो और बोल दे कि इसका एरिया निकालो तब के लिए है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन में है, इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स अक्ष तथा रेखा एक्स बराबर ए बाई टू से घिरे उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, तो क्या करेंगे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह से बना होगा, इसके निर्देशांक पता ही है क्या होते हैं, यहां पर होता है ए कॉमा जीरो और यहां पर होता है जीरो कॉमा ए, मतलब कि जीरो कॉमा जीरो, यहां पर जीरो कॉमा जीरो। अब इसमें कंडीशन देखेंगे क्या कह रहा, x बराबर a बाई टू, तो x बराबर a बाई टू यहां से यहां तक a है तो इसके मध्य में a बाई टू होगा, तो यहां पर हम क्या मान ले रहे हैं पॉइंट a बाई टू कॉमा जीरो, ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी x बराबर a बाई टू के लिए। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है x अक्ष और x बाई टू, तो x अक्ष होगा ये वाली, ये तो y अक्ष होगी, ये हो गई x अक्ष और ये हो गई y अक्ष, तो x अक्ष और x बराबर a बाई टू, तो ये वाला एरिया हो जाएगा कि भी ये हो जाएगी x अक्ष और x बराबर a बाई टू, ये वाली लाइन हो जाएगी। और क्या कह रहा है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो, तो क्या होता है यही इसका प्रथम चतुर्थांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश में भी है। अब हमको क्या करना है केवल इसका एरिया निकालना है, इतने पार्ट का एरिया निकालना, अगर ये नहीं कहता कि अगर वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, अगर ये कंडीशन ना कहता तो हम क्या करते इस पूरे का एरिया निकालते इस नीचे तक, ठीक है। हालांकि अब ये क्या कह रहा है प्रथम चतुर्थांश का निकालना है, तो ये केवल ये वाला प्रथम चतुर्थांश होता है यहां से यहां तक, तो हम क्या करेंगे केवल इसका एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, तो यहां पर हम पॉइंट मान ले रहे हैं, यहां पर इसको ए मान लो, ये बी मान लो, यहां पर ये सी मान लो, तो क्या हो जाएगा एरिया ए बी सी बराबर समाकलन ए से बी वाई डी एक्स। अब ए और बी क्या है, यहां पर ए बराबर हो जाएगा
एक्स अक्ष की ने जो एक्स अक्ष पर हैं वो एक्स बराबर लिमिट लेंगे, तो एक्स बराबर ए बाई टू से क्या है एक्स बराबर ए तक लिमिट है, तो लिमिट मिल जाएगी ए बाई टू से ए तक वाई बराबर, वाई बराबर यहां से सॉल्व करेंगे क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहां से वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिमिट रख लीजिए, रख लेंगे फंक्शन, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी इसका फार्मूला पहले बता चुके हैं, सेम फार्मूला वही लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, ये आ जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, लिमिट है ए बाई टू से ए तक, ए बाई टू से ए तक। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको आप लोग देख लेना और बना लेना, इसको मिटा दे रहे हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे ए फिर ए बाई टू, तो पहले ए रख लो, तो यहां पर हो जाएगा ए बाई टू अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये एक में हो जाएगा माइनस करके, माइनस करके क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट ए बाई टू रखेंगे, तो यहाँ पर ए बाई टू रखेंगे एक्स के स्थान पर ए बाई टू रखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ए बाई फोर, ए बाई फोर आ जाएगा जब ए बाई टू रखेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर ए बाई टू, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपॉन टू ए। अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए कट जाएगा, तो साइन इनवर्स वन बचेगा जिसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू, माइनस लगाएंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नौ बटा चार, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट के अंदर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर प्लस यहाँ से ए कटेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स वन बाई टू, और साइन इनवर्स वन बाई टू वैल्यू होती है किसकी पाई बाई सिक्स की, इंटू पाई बाई सिक्स, इतना ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा दो दुनिया चार, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस यहाँ से ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है चार है तो बाहर आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर ए, यहाँ पर ए अपॉन और ये ए आएगा तो ए स्क्वायर, और यहाँ से दो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा आठ, और बचेगा रूट में थ्री, ब्रेकेट ओपन कर लो माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये छः दुनी बारह, मतलब कि ए स्क्वायर पाई अपॉन बारह, ए स्क्वायर पाई और ए स्क्वायर पाई यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर पाई चार माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन बारह, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई एट और रूट थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर मिल जाएगा बारह एलसीएम, और ये हो जाएगा तीन ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर रूट थ्री अपॉन एट, तो यहाँ से थ्री से वन जाएगा तो बचेगा यहाँ टू ए स्क्वायर पाई अपॉन बारह माइनस ए स्क्वायर रूट थ्री अपॉन एट, यहाँ से दो एकन्ना दो छक्के बारह कट जाएगा, बचेगा छः, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, यहाँ पर बच जाएगा पाई अपॉन सिक्स, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस रूट थ्री अपॉन एट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा कितना ए स्क्वायर मिल जाएगा चौबीस एलसीएम, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फोर पाई
और यहाँ पर माइनस यहाँ जगह 3√3। अब यहाँ से 24 बाहर कर लो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 24 और ब्रैकेट में हो जाएगा 4π माइनस 3√3। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। इसमें और बहुत से क्वेश्चन दिए हैं आप लोग, हम केवल ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग क्या करिएगा, जो उदाहरण के क्वेश्चन होते हैं वो भी साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा। अगर कोई कहीं पर परेशानी होती है, कोई कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का सलूशन या फिर उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। और अगले वीडियो में हम आपको जो दो कर्व के द्वारा जो क्षेत्रफल कटता है उसका एरिया निकाल के बताएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए, धन्यवाद।